भारत में थाईलैंड के राजदूत पट्टारत होंगटोंग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से उनके कार्यालय में बैठक के दौरान हरियाणा और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अधिक आर्थिक क्षमताएं हैं, इसलिए थाईलैंड और हरियाणा के बीच ऑटोमोबाइल, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। थाईलैंड की राजदूत ने भी थाईलैंड द्वारा उत्पादित उत्पादों के हरियाणा में निर्यात करने के लिए गहरी रुचि दिखाई। हरियाणा में निवेश को लेकर पट्टारत होंगटोंग ने कहा कि थाईलैंड की प्रगति के लिए हरियाणा के साथ आर्थिक विकास और निवेश संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा देश के खाद्य उत्पादन में योगदान देने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है और जैसा कि थाईलैंड को दुनिया की रसोई के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में थाई कंपनियों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है जो गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल इकोनॉमी बनाने और हरियाणा को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर में निवेशकों की पहचान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।